हर्षवर्धन जी हमारे बीच बता रहे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी का स्नेह प्यार और आशीर्वाद ले रहे हैं। आइए सर, आइए। डॉक्टर हर्षवर्धन जी का एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। राजकुमार भाटिया जी के समर्थन में इस क्षेत्र के सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी बना रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है अधिक से अधिक संख्या के अंदर निकलकर डॉक्टर हर्षवर्धन जी का सहयोग दें। डॉक्टर हर्षवर्धन जी को जिस प्रकार से आपने अपना स्नेह प्यार और आशीर्वाद दिया था, उसी प्रकार से राजकुमार भाव के अपने प्रत्याशी भाई राजकुमार भाटिया जी अमरजीत सिंह जी समर्थन के अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन जी आपके बीच में आए हैं। नरेंद्र मोदी टीम के कर्मठ सिपाही भाई राजकुमार भाटिया जी, मैं जिस बार चलिए भाई साहब जल्दी चलिए, ये तो पैदल हो गए, जल्दी चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। निवासियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि जिन्होंने अपना स्नेह प्यार और आशीर्वाद राजकुमार भाटिया जी को दिया है। भाटिया, राजकुमार भाटिया आपके मध्य में है। टीम भाजपा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। राजकुमार भाटिया जी की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन है। पुनम जी नीचे हो जाओ। आपके पूरे प्यार का, पूरी मार्केट का सहयोग हमें मिल रहा है। जी हाँ, सांसद पूनम महाजन जी, राष्ट्रीय युवा मोर्चा की अध्यक्षा राजकुमार भाटिया जी के समर्थन में स्नेह प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आई है। आने वाली 8 तारीख को राजकुमार भाटिया को
अभिनंदन करता हूँ। सुरेंद्र कोहली जी 82 साल की उम्र में भी, पीपी खुराना जी 80 साल की उम्र में भी राजकुमार भाटिया जी के समर्थन में इस प्रकार का जोश और जुनून दिखा रहे हैं। राकेश जुनेजा जी आगे चलिए, कोहली साहब चलते रहिए। सभी हेल्पेज के पदाधिकारियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आपका स्नेह प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी को आपने बेहतर आदर्श नगर की एक पुकार। अब की बार राजकुमार अनुभव जी रैली को आगे बढ़ाइए। सुमित यादव जी, हरीश बत्रा जी, नितिन जी रैली को आगे बढ़ाइए। जी हाँ, आदर्श नगर में अब की बार कमल सरकार। डॉक्टर साहब जिस प्रकार से आपको इस क्षेत्र से पूरा आशीर्वाद मिला था, वैसा ही आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के कर्मचारी भाई भाई राजकुमार भाटिया को भी मिलेगा, ऐसा हम आपको आश्वासन दिलाते हैं। रैली को आगे बढ़ाइए। पूनम महाजन जी को राजकुमार 8 तारीख मैरिट नंबर 4 राजकुमार। साथियों आदर्श नगर विस्तार और आदर्श नगर के सभी लोगों का हम हृदय से आभार। डॉक्टर हर्षवर्धन जी आपका जोश जुनून और प्यार आशीर्वाद 8 तारीख को इसी प्रकार से 8 तारीख को कमल का मंडल दिलाकर राजकुमार भाइयों आपके बीच में आपका अपना राजकुमार 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 बेहतर आदर्श नगर बना। टीम भाजपा की तरफ से हम डॉक्टर साहब का पूनम महाजन जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जी हाँ, आने वाले 8 तारीख को बैलेट नंबर 4 विधानसभा क्षेत्र के अंदर आपके अपने सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी आपके बीच में बता रहे हैं। पूनम महाजन जी पत्नी जी से मेरा अनुरोध है कि रैली को आगे बढ़वाए। थोड़ा तेज चलिए भैया, चलते रहिए, थोड़ा तेज चलिए भैया, टेम्पो वाले भाई साहब थोड़ा स्पीड में। डॉक्टर हर्षवर्धन जी आपके मध्य के अंदर राजकुमार भाटिया जी आपके मध्य में बता रहे हैं। भैया अभी हमारे बीच में सभी RWA उनके हार्दिक अभिनंदन करती है। आपके मध्य में नरेंद्र मोदी टीम के कर्मचारी को भूलना जाना आने वाले जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश बनाने वाले हैं। राजकुमार भाटिया के समर्थन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत मूल मंदिर आदर्श नगर विस्तार के सभी पदाधिकारियों का टीम भाजपा आदर्श नगर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। राकेश भाई आगे निकलता हूँ। हमारे तीनों मंडल अध्यक्षों से अनुरोध है तो रैली को थोड़ी गति दें और थोड़ी स्पीड से आगे बढ़े। राजकुमार भाटिया के समर्थन के अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन जी आए हैं आज को अपना समर्थन श्रेय और आशीर्वाद देने के लिए। डॉक्टर हर्षवर्धन जी आपके क्षेत्र के साथ साथ आए हैं। सभी रूट प्रमुखों से मेरा अनुरोध है आगे का रास्ता खाली कराए। शिव मंदिर के सभी पदाधिकारियों का पंडित जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं।
परिवार का बहुत बहुत आभार, आपका चले प्यार और आशीर्वाद। हर्षवर्धन जी, नरेंद्र मोदी जी के धर्म अधिकारी राजकुमार भाटिया के समर्थन में आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। भाई राजकुमार भाटिया जी के समर्थन में डॉक्टर हर्षवर्धन जी 8 तारीख को होने वाले विधानसभा चुनाव में आपका अनुरोध है, घरों से निकलकर अधिक से अधिक संख्या के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बड़ा भजन कम कर देते अपने कार्यकर्ताओं को जवाब बाकी चलो आलू देते एक बार कब देते एक बार आपका स्नेह प्यार और आशीर्वाद है। इस बार जो भी अपनी पूरी टीम के साथ इस चुनाव में लगे हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। राजकुमार शास्त्री से आप डॉक्टर हर्षवर्धन जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी आपके मध्य में, आपके मध्य में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी भी आभार व्यक्त करते हैं। आपने आकर अपना कीमती समय दिया, राजकुमार भाटिया जी को अपना समर्थन दिया, अपना स्नेह और प्यार दिया, उसके लिए हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। राजकुमार भाटिया जी को अपना विधायक बनाए, राजकुमार
राम जन्मभूमि स्थान पर भगवान राम का एक भव्य मंदिर हिंदू समाज बना सकता है। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसके लिए औपचारिक ट्रस्ट बनाकर उस ट्रस्ट की घोषणा और उस ट्रस्ट को सारी की सारी 67-68 एकड़ जमीन उस ट्रस्ट को दे दी जाए इसकी घोषणा भारत की संसद में कर दी है। जो सालों से हम इंतजार कर रहे थे, भगवान श्री राम जो हमारे हृदय हैं, हमारे मन हैं, हमारे प्राण हैं, हमारी आत्मा है, जो मर्यादाओं के पुरुषोत्तम है, सारी मानवता के लिए आदर्श है, ऐसे भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर बहुत ही शीघ्र भगवान श्री राम का रामलला का मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। अब उसकी औपचारिक घोषणा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कर दी है आज 11 बजे। आपने सबने टेलीविजन पर देख लिया होगा। मैं आप सबको बहुत हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ। आपने 6 महीने पहले अपने प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया था और नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए आपने अपने क्षेत्र में डॉक्टर हर्षवर्धन को आशीर्वाद दिया था और अभी आज हम आपके बीच में आपके प्रिय साथी राजकुमार भाटिया को लेकर आए हैं। जब केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी होंगे और दिल्ली में भी भाजपा की सरकार होगी और कॉरपोरेशन में भी आप जानते हैं भाजपा होगी, तो इतना विकास दिल्ली का होगा जो कभी किसी ने देखा नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 साल में देश के 70 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जो काम 70 साल से रुके हुए थे, अब हमारे को लगता है कि ये कश्मीर जो है वास्तव में हमारा है। हमारे को पहली बार महसूस होता है, था तो हमारा हमेशा और रहना भी हमेशा है, लेकिन धारा 370 हटाकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो काम कर दिया जो इस देश में 70 साल में नहीं हुआ। बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आप सब जानते हैं कि कितना हमारे जो है हिंदू भाइयों को, सिख भाइयों को, पारसी भाइयों को, क्रिश्चियन भाइयों को, जैन को और दूसरे बहुत सारे संप्रदाय के लोगों को किस तरह से पाकिस्तान में, बांग्लादेश के अंदर और किस प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर उनको जो है सब प्रकार से प्रताड़ित किया गया। कैसे हमारी बहन बच्चियों के साथ किस प्रकार से वहां पर जो है उनको तकलीफ में लाया गया और उसके कारण परेशान होकर जो लोग भारत में आए थे, मैं तो जानता हूँ इस आदर्श नगर की विधानसभा में भी ऐसे हमारे बहुत सारे परिवार रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 साल के बाद उन सबको जो है नागरिकता दे दी है। मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा ऐतिहासिक काम उन्होंने किया है, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी का, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का हम आप सबकी ओर से हृदय से या सार्वजनिक तौर पर अभिनंदन करते हैं। और आज राम मंदिर की उन्होंने घोषणा की है, इसके लिए बहुत बहुत उनको हम हृदय से नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। जिस तरह से आपने हम सबको आशीर्वाद दिया, मुझे पूरा विश्वास है कि एक एक परिवार में से एक एक वोट 8 तारीख को सुबह 8 बजे ही पोलिंग बूथ पर पहुंचकर कमल का बटन दबाकर हम देश की राजधानी दिल्ली का भविष्य भी उजागर करेंगे, उसको भी बेहतरीन बनाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आशीर्वाद देंगे और अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बनाएंगे। इसी अपील के साथ मैं हमारी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सब यहाँ पर आई हैं और बहुत बहुत खुले मन से पूरे दिल के साथ आप आशीर्वाद दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कुछ ही समय में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे बीच आने वाले हैं। राजकुमार भाटिया को अपना वोट देकर विजय बनाए, आपका अपना साथी भाई राजकुमार जी हाँ, मोदी सरकार के कर्मठ सिपाही भारतीय जनता
जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आपके अपने सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी को जिस प्रकार से आपने क्षेत्र से विजय बनाया था, उसी प्रकार से आने वाली 8 तारीख को राजकुमार भाटिया को भी आप अपना स्नेह प्यार और आशीर्वाद। यही है डॉक्टर हर्षवर्धन की पहचान। जी हाँ, उसी टीम के सिपाही राजकुमार भाटिया आपके बीच में 8 तारीख को हल होगा और आपका विधायक राजकुमार भाटिया होगा। जी हाँ, इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए 8 तारीख को कमल का बटन दबाए नरेंद्र मोदी टीम के सिपाही भाई राजकुमार भाटिया को जिताए। जिस प्रकार से डॉक्टर हर्षवर्धन जी आदर्श नगर विधानसभा की धरती के ऊपर राजकुमार भाटिया से अनुरोध करूंगा, डॉक्टर हर्षवर्धन से अनुरोध करूंगा कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। हमारे मध्य में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार भाटिया जी के समर्थन में यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इस क्षेत्र के सांसद राजकुमार भाटिया जी के समर्थन में आपका स्नेह प्यार और आशीर्वाद देने के बता रहे हैं। आपसे अनुरोध है घरों से निकलकर राजकुमार भाटिया जी सदा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच बता रहे हैं। आपसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी आपके बीच बना रहे हैं। आपका स्नेह प्यार और आशीर्वाद 8 तारीख को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक को आदर्श भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही राजकुमार भाटिया जी, राजकुमार भाटिया जी के समर्थन में इस क्षेत्र के सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। राजकुमार भाटिया जी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उनका आदर्श नगर की धरती के ऊपर हम टीम भाजपा की ओर से स्वर्गीय पीएल के पैसा जी जो हमारे मंडल के पूर्व